हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो हर एक स्टूडेंट के मन में होता है, डाउट्स होते हैं, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारों के कमेंट भी आते हैं कि सर उसके बारे में हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या रहेगा GNM एंड BSc का फ्यूचर इन आने वाले एम्स में। तो एम्स में आपको पता ही है, हर बार जो नियम है उसके, वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट्स रहते हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो मेन इंपॉर्टेंट जो रहेगा टॉपिक, वो रहेगा उसको अपन डिस्कस करेंगे कि GNM एंड BSc। अगर आपने GNM कर रखी है या BSc कर रखी है या पोस्ट BSc कर रखी है, तो इनका एम्स नॉर्थ में क्या आपका फ्यूचर रहेगा, क्या आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर है, एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर है तो किसके लिए है, GNM BSc के लिए है या ओनली GNM के लिए है। तो इन सब डाउट्स आपके मैं आज क्लियर करूँगा कि आपके क्या डाउट रहने वाले हैं। वन बाय वन अपन एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर इसके अलावा भी आपको अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। तो सबसे पहले, अगर आपने GNM कर रखा है तो आपको एम्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि आपको GNM प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब बहुत सारों के मन में डाउट्स ये भी आता है कि क्या अभी जो निमांस की वैकेंसी आई थी उसके अंदर GNM को बाहर कर दिया था, ओनली BSc के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रखा था। तो बहुत सारों के मन में आता है कि क्या एम्स में भी ऐसा हो जाएगा क्या। तो अभी एम्स का कुछ नहीं कह सकते, एम्स आगे आने वाले टाइम में कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर सभी नर्सिंग वालों की अगर यूनिटी रहेगी तो एम्स ये जो नियम है वो लागू नहीं कर पाएगा। बट जो आपको आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना ज़रूरी है, अगर इन फ्यूचर में बाई चांस हो जाए तो भी आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारों के दिल पे चोट पहुंची है। जब 80/20 लागू हुआ, बहुत एम्स वालों ने बहुत ही ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही जो है ख़राब किया है। उसके अकॉर्डिंग देखते हुए अब जो GNM स्टूडेंट है उसको मेरी एडवाइस है कि अगर आप GNM स्टूडेंट तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको एक बार पोस्ट BSc कर लेनी चाहिए। 2 साल की पोस्ट BSc होती है, नॉन अटेंडिंग होती हैं। अगर आपको राजस्थान वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको अगर कॉलेज के लिए एडमिशन चाहिए या कोई भी सजेशन चाहिए, तो आप मैं लिंक के अंदर मेरे नंबर दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी कॉलेज बता दूंगा, उसमें जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, आपकी नॉन अटेंडिंग पोस्ट BSc हो सकती है। इसके अलावा GNM वाले को प्रिपेयर होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस विद आपके पास में पोस्ट BSc होना ज़रूरी है। इसके बाद में जिसने पोस्ट BSc कर रखी है तो उसको मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस तो उसके पास में हॉस्पिटल का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जिस कैंडिडेट ने BSc कर रखी है, अगर BSc कर रखी है तो उसको भी ऑनली बिना एक्सपीरियंस नहीं रहना है, उसको भी एक बार 6 मंथ का एक्सपीरियंस उसको ले लेना है। 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, जो एम्स में आपके साथ में आगे हेल्प करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाए उस टाइम आप फिर नॉट एलिजिबल हो जाओगे। इससे आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आपने तैयारी तो कर रहे होंगे, आप भले आप बिगिनर हो या आप जो है एक्सपीरियंस वाले हो या आप काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक बार 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है नॉर्थशेट के अंदर। और भी अदर वैकेंसी हैं उसके अंदर तो इतना नहीं है, बट नॉर्थशेट के अंदर आपको प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता ही है 1 सितंबर के अंदर नॉर्थशेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्थशेट जो एग्ज़ाम है, अगर आपको BSc GNM एम्स से कोई भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एम्स का जो है सिलेबस आपको पता ही है कि 180 क्वेश्चन नर्सिंग के होते हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम्स का सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, वही रहता है यूनिवर्सल जो है एम्स का सिलेबस। 180 MCQ आपके जो है नर्सिंग से रहेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट, एंड जो 20 जो क्वेश्चन होंगे वो GK रीजनिंग जो है मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपको पता होगा। इसके बाद में इसकी 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप जिस कैंडिडेट को पिछले अगर 2021 का जो नॉर्थशेट जिसने भी दिया उसको अगर खुद का अगर इवैल्यूएशन करना है, अगर आपको आपको पता लगाना है कि मेरे कितने क्वेश्चन मैंने अटेंड किए, रॉन्ग कितने हुए, राइट कितने, तो उसके लिए आप RTA लगा सकते हैं। मिनिमम 10 दिन के अंदर ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कि आपने पहले कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने राइट किए, कितने रॉन्ग किए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा अगले वाले एम्स में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो बिल्कुल भी डरे नहीं, अच्छे से तैयारी करें। और भी जैसे आपके जो इससे रिलेटेड नॉर्थ से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब सवाल उठता है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो क्या क्या पढ़ना चाहिए इस पर अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट से
स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, कौन सी टॉपिक भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से सलेक्शन नहीं होता। स्मार्ट स्टडी करने से हमेशा सलेक्शन होते हैं। ज़्यादा पढ़ने से हमेशा नॉलेज ज़्यादा होगा, बट सलेक्शन जो होगा आपका वो स्मार्ट स्टडी से होगा। इसलिए आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।